जुबान नरम हाकिम व्यापारी हो जलता जमाना उसे क्यों है पामाल करता पामाल यानी पाम तले रोदना नमस्कार दोस्तों ऐसी ही शब्दावली लिखी है लाल किताब में बस उसे समझने की नजर अपनी अपनी है आज आपकी कुंडली में भाव नंबर सात पे बैठे सूर्य की बात करते हैं यह आपको क्या फल देगा ऐसा जातक दानवीर होता है जिसे देगा मोती मौत, ही देगा यानी कि पूरा दरिया दिल होगा परंतु सूर्य अधिक मामलों में नेक नहीं रहता है इस भाव में सूर्य को छोटा कबीला डर डर कर जीने वाला इंसान कहा गया है इस घर में सूर्य नीच का होने के कारण ज्यादा अच्छा फल नहीं देता है इस घर में सूर्य होने से शुक्र का जो ऋण है वो बन जाता है शायद इसीलिए ऐसे जातक की जो गृहस्थी का सुख है ना वो हल्का ही होता है ऐसा जातक खुद या इसकी जो स्त्री है दोनों में से कोई एक हमेशा रोगी बना रहता है ऐसा बहुत बार देखा है मैंने लाल किताब में ऐसे इंसान की औरत को ला लाजवंती कहा गया है दरअसल ये एक पौधे का नाम है जिसे इंग्लिश में टच मी नॉट भी कहते हैं यानी कि जिसे सिर्फ टच करने से ही वह मुरझा जाता है इस इंसान का गृहस्थ का सुख मैंने हल्का ही देखा है मैंने कई सूर्य सात वालों की कुंडलियों का विश्लेषण किया है दोस्तों और मेरा जो अनुभव है वो यही है कि या तो औरत के साथ शारीरिक सुख नहीं मिलता या कलेश रहता है अगर वह दोनों नहीं है तो कभी कभी औरत से तलाक या जुदाई यानी कि उसकी मृत्यु तक देखी है अगर कहीं सब सही अगर कहीं सब ये सब सही रहा यानी कि इसकी मैरिज लाइफ सही रही तो फिर दो चीजों का अभाव देखा है सूर्य में भाव वाले इंसान का यहाँ तो ससुराल ही तबाह होगा या मैं खुद माली हालत से कंगाल ही होगा लक्ष्मी उससे रूठी ही रहेगी लेकिन एक खास बात यह कि यह सारी अलामतों का जो बुरा असर है ना वह चौंतीस साल के बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा परंतु फिर भी अलग अलग प्रॉब्लम का उपाय भी अलग अलग होगा जो सोशल मीडिया में नहीं बताना चाहिए ऐसा करने से नुकसान होता है इसलिए इसके लिए परामर्श लेना अच्छा रहेगा मैंने बहुत तरह की तकलीफें देखी हैं सूर्य सात वाले की जैसे कि अगर सभी ग्रह कुंडली में मंदिर बैठे हैं तो इसके ख्याल भी नेगेटिव हो जाएंगे कभी कभी तो ऐसा इंसान फिर खुद खुशी की सोचना शुरू कर देगा खास करके जब सभी ग्रह मंदे अगर सरकार से इसने लड़ाई लड़ी तो फिर ये ऐसा इंसान कभी जीत भी नहीं पाएगा क्योंकि सरकारी फैसले इसके खिलाफ आएंगे इस भाव में सूर्य नीच का होने की वजह से भाव नंबर दो के ग्रहों की हालत और दृष्टि के हालात से कभी कभी ऐसे इंसान को पराई ममता का साथ मिल जाता है यानी कि ये पराई ममता को जरूर पालता है अब कभी किसी का कन्यादान कर दिया वो भी चाहे किसी दूसरी लड़की का तो वो भी ममता हो गई किसी की स्कूल की फ़ीस दे दी या किसी के घर में राशन दे दिया बच्चों के लिए किसी यानी कि किसी ना किसी बे औलाद को जिसकी की कोई या जिसके ऐसे ऐसी संतान की जिसकी वालदेन की हैसियत नहीं है ख़र्च करने की या वो यतीम है उन लोगों की पालना ऐसे इंसान के द्वारा मैंने कर करती हुई देखी है ऐसा इंसान ऐसे लोगों की पालना ऐसे लोगों को पालता जरूर है दूसरा ऐसे इंसान को जुबान का जो चस्का है वो बहुत ज़्यादा होता है और अगर ये ज़्यादा नमक खाएगा तीखा खाएगा तो बी की प्रॉब्लम आ जाएगी इसलिए इसे नमक और तेज मसाले कम खाने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपकी पत्नी का आपसी तालमेल बहुत बढ़िया हो तो आप दोनों में से आप या आपकी पत्नी को गुड़ या गुड़ की बनी हुई चीजों को भी छोड़ देना चाहिए जो मिठाइयां गुड़ से बनी हुई हैं वह आपको नहीं खानी चाहिए जिंदगी में दो काम हमेशा याद रखिएगा इससे आपका सूर्य कभी भी आपको मंदा असर नहीं देगा पहला आप अपने भोजन का पहला निवालना अग्नि को ऊती में दें। यानी कि जब आप खाना खाने बैठें तो पहली पहला निवाला अग्नि को भेंट कर दे दूसरा जब भी आप घर से निकले तो सूर्य के मित्र मंगल की सपोर्ट लेके निकले यानी कि थोड़ा बहुत मीठा मुँह में डालकर आप घर से निकल सकते हैं चीनी वगैरह इससे आपका मंगल भी नेक हो जाएगा और आपको सूर्य भी उच्च उच्च का फल देना शुरू हो जाएगा एक खास बात और लाल किताब में आपके लिए खास हिदायत है और इस इंसान को वह क्या है इस इंसान को हमेशा हाकमी गर्मी की और दुकानदारी नरमी की करनी चाहिए लाल किताब में जो सबसे अलग आप अलग बात जो आपके लिए लिखी है कि पैसा कमाने के लिए आप चाहे विदेश में जितना मर्जी चले जाएं कहीं घूम लें देश घूमें विदेश घूमें किसी दूस दूसरे देश की नागरिकता ले लें परंतु अपने अंतिम समय पर कुदरत आपको आपके पैतृक स्थान पर वापस ले ही आएगी दोस्तों ये सारी बातें इसका जो विषय है ना वो बहुत बड़ा है जितनी बातें हम करते जाएंगे वो और परंतु समय की कमी है। अभी हम बात करते हैं सीधी उपाय पे आपको क्या उपाय है जो फायदा देंगे एक तो कांसे का बर्तन आपको उपयोग में उपयोग करना चाहिए और खास करके ऐसा बर्तन जो आप अपने ससुराल से ले सके घर से जब भी निकले मीठा खा के निकले मीठा खा के पानी पी के निकले पति और पत्नी दोनों में से कोई एक गुड़ खाना छोड़ दे इससे आपकी सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा दोनों की काली गाय की या बिना सिंगों की गाय की सेवा आपको बहुत मुबारक फल देगी चूल्हे की आग दूध से बुझाएं पर ये उपाय बिना परामर्श के बिना समझे हुए नहीं कर सकते तो इसके लिए आप चाहे तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं सूर्य के जो नक्षत्र हैं कृतिका उत्तरा फागुनी उत्तराषाढ़ा ये सब सूर्य के जो नक्षत्रों में भी आप उपाय कर सकते हैं या संडे वाले दिन भी कर सकते हैं ऐसा आपके लिए लाभकारी होगा आपको क्या बिजनेस करना चाहिए ऐसे जातक को ऐसे इंसान को आप जैसे इंसान को सिल्वर के ज्वेलरी के बिजनेस बहुत फ़ायदा देते हैं किसी भी तरह के सिल्वर या वाइट मेटल के बिजनेस आपको बहुत फ़ायदा देंगे कोई भी होलसेल बिजनेस कोई भी दूध के या मिल्क प्रोडक्ट्स के या दूध से बनी हुई मिठाइयों के प्रोडक्ट्स आपको उनका बिजनेस फ़ायदा देगा डेयरी बिजनेस आपको बहुत नेक फल देगा किसी भी तरह की रेंटल इनकम या कोई आपका किसी तरह का साइड बिजनेस है ये आपको हमेशा कोई ना कोई आमदन छोटी मोटी आमदन देते रहेंगे जिसका आपको मीठा मीठा फल मिलता रहेगा दोस्तों मैंने पिछली कई वीडियोस में बताया कि, कि किसी एक ग्रह के एक स्थान पर बैठने से उसके हर पूरी कुंडली में उसका फलादेश उसके अनुसार नहीं बताया जा सकता उसके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि मित्र ग्रहों की शत्रु ग्रहों की दृष्टि उसकी राशि उसका नक्षत्र उसका गोचर सब आपको उसके फल को बदल देते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी सूर्य लाल किताब के, के जितने भी उपाय हैं वो मैक्सिमम उपाय सूर्य के रहते हुए होते हैं तो कोई भी उपाय जो आप सूर्य ढलने के बाद आधी रात को शाम को या सुबह कर रहे हैं तो आपको ऐसा करने से ऐसा करने से तब तक बचना चाहिए जब तक आपको कोई बहुत अच्छा लाल किताब का जानकार आपको ऐसा करने से करने के लिए ना बोले दूसरा किसी भी तरह की सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह को देखकर ऐसे उपाय अपने आप करने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है इसलिए मैं आपको समय समय पर इसकी हिदायत देता आया हूँ हम कई ग्रहों के ऊपर अलग अलग भाव पे लंबे हर भाव पे आपको अलग अलग वीडियो पे चर्चा कर रहे हैं अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले चैन वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए नमस्कार